अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही चिकन आलू। देखिए प्याज मेरे हो गए सोते और आप इसमें डाल दूँ मैं नमक मिर्चें के मसाले सारे, इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। मिर्चें ये मसाला मेरा गया भून, ये और ये मैंने टमाटर और ग्रीन मिर्चें डाल दी। अब मैं इसको भी अच्छी तरह से भूनूंगी। इधर मैं काट लूंगी आलू। मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया मसाले को। अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। पहले मैं हड्डी वाला सारा डालूंगी। अच्छी तरह से इसको भूनूंगी। ये अच्छी तरह से ना मेरा हड्डियों वाला जो सालन है वो भी भुन गया और ये अब मैं दूसरा डाल। और साथ ही मैं ये आलू डाल दूंगी, ये भी आस्ता आस्ता गलेंगे और साथ भुन भी जाएंगे। आज मेरा गरम मसाला पिसा हुआ ख़त्म हो गया तो ये मैं ग्राइंड करने लगी। कलौंजी डाली, कड़ी पत्ता डाला, इसमें दालचीनी डाली है, गरम मसाला है, सूखा धनिया है, लौंगे भी हैं, ये लौंगे और मोटी इलायची है, मोटी वाली इलायची, वो सारा मैंने ये ना इसमें डालूँगा। मिक्स कर दी, डाल दे इसमें, ये मैं ग्राइंड करूँगी। अब मैं ना इसमें डाल दूँगी गरम मसाला थोड़ा सा, क्योंकि गरम मसाला आज मैंने अभी नहीं डाला, मेरे पास ख़त्म हो गया था। अभी मैंने इसको ग्राइंड किया, मैंने कहा कि डाल दो ये अच्छी तरह से भून ली। अभी तक इसका ना ऊपर घी भी ऊपर आए, थोड़ा टाइम है। घी वैसे भी मैं कम नहीं डालती, अब ये देखें घी मेरा बिल्कुल ऊपर आ गया और मेरा बिल्कुल आलू भी तकरीबन गल गए। लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूं,
बच्चों ने कहा है कि थोड़ा सा शोरा नहीं रखना आज चिकन में। धनियों को मैंने भूनना, थोड़ा सा मैं दम पे भी लगा दूँ, ज़्यादा नहीं मैंने आना। ये मैं अब डाल दूँगी इसमें पानी। पानी डाल दे, काफी है। मैंने दम पे लगा देना, आलू में कसर रह गया वो भी, आलू भी गल जाएंगे और पानी थोड़ा सा सूख जाएगा। ये इसकी फाइनल लुक है, ये मैं बना लिया और इधर ये प्लेट में मैंने ना आलू चिकन बहुत नाइस बनता है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को देखा करें, पूरा देखा करें। अच्छा जी, खुदा हाफिज, रब रखा।